क्या हम डिफेंस सर्विस में जा सकते हैं आफ्टर लिम्ब लेंथनिंग? हाय, आई एम डॉक्टर हृदेश, रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट इन लिम्ब लेंथनिंग एंड मैनेजिंग डायरेक्टर इन हाइट इंक्रीज इन्फो। तो ये क्वेश्चंस हमारे पास बहुत आते हैं कि हम डिफेंस ज्वाइन कर सकते हैं या हम आर्मी में जा सकते हैं, हमें पुलिस में जाना है, इसके लिए हमारी हाइट कम है, तो हम लिम्ब लेंथनिंग कराना चाहते हैं। तो इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा, किसी भी आप डिफेंस सर्विस में जाना चाहते हैं, अगर उससे पहले आप लिम्ब लेंथनिंग कराते हैं तो फर्स्ट अपने गवर्नमेंट की गाइडलाइंस देखिए, चेक कीजिए, अगर वो किसी इंजरी के बाद अलाउ करते हैं तब आप करा सकते हैं, अदरवाइज लिम्ब लेंथनिंग के बाद अगर आप स्पेशली फोर्स के लिए, आर्मी के लिए या किसी भी डिफेंस सर्विस के लिए कराते हैं तो वी डोंट रिकमेंड, क्योंकि इसमें रिकवरी टाइम ही बहुत ज्यादा होता है। अगर आप सपोज एक सेगमेंट में भी कराते हैं तो एटलीस्ट आपका एक ईयर तो वन ईयर हीलिंग में ही जाएगा, उसके बाद 18 to 24 मंथ एटलीस्ट 2 साल का फ्रेम रिमूवल टाइम होता है, तो वहां आपकी कंप्लीट फिजिकल स्ट्रेंथ और फिजिकल आपका चेकअप होता है, तो उसमें आपके रॉड डेफिनेटली विजिबल होंगी, आपके मार्क्स विजिबल होंगे। तो आई थिंक अगर आप किसी भी ऐसी सर्विस में जाना चाहते हैं जिसके लिए आप लिम्ब लेंथनिंग प्लान कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी सही डिसीजन नहीं होगा। तो यह है आपके क्वेश्चन का आंसर कि अगर आप डिफेंस में जाने के लिए लिम्ब लेंथनिंग कराना चाहते हैं तो हम बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करते।